हाय फ्रेंड्स, स्वाति की रेसिपी में आप लोग का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल और उड़द दाल से जलेबी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक कप लिए हैं जो इडली बनाते हैं चावल, वही वाला चावल एक कप। आधा कप उड़द दाल, इसको दो तीन बार साफ पानी से धो लेंगे और इसको भिगोने के लिए छोड़ देंगे 4 घंटा। चार घंटा हो गया है, अब इसको चेक कर लेंगे। देखिए हमारे चावल और उड़द दाल अच्छी तरह भीग गया है, अब इसको पीस लेंगे। एक मिक्सी जार लेंगे और चावल और उड़द दाल को अच्छी तरह पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। पीस लिए हैं, बहुत ही स्मूथ पीस लेंगे इस तरह। एक बर्तन लेंगे, उसी में डाल देंगे और सभी को इसी तरह पीस लेंगे। सभी को पीस लिए हैं, अब चाशनी बनाएंगे। एक कप चीनी और 1.5 कप पानी डालेंगे। दो इलायची को कूट कर डाल देंगे और अच्छी तरह चीनी को मिलाएंगे, चीनी घुलने तक। चीनी हमारा अच्छी तरह घुल गया है, अब इसको 10 मिनट चीनी को पकाएंगे। थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। तार वाला चाशनी नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा हाथ में ले और चिपचिपा लगे तो हमारा चाशनी तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसको साइड में रख देंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे। इतना ही मीठा सोडा लेंगे, ज़्यादा नहीं, और अच्छी तरह मिला लेंगे। हमारा बैटर इस तरह होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं, और थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह मिला लेंगे। अच्छी तरह मिला लिए हैं, जो घर के लिए हम लोग ऑयल लाते हैं वही वाला पैकेट एक ठो लिए हैं, साफ करके धो लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा छोटा वाला छेद कर लिए, अब गिलास के अंदर रखेंगे। अब इसमें बटर भरेंगे। छोटा सा छेद कर लिए हैं। ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो
जलेबी अच्छी तरह नहीं बन पाएगा। इस तरह हम जलेबी को बनाएंगे। इस तरह सभी जलेबी को बना लेंगे। हमारे जलेबी का कलर बहुत अच्छी तरह आ गया है। अब हम जलेबी को निकाल लेंगे। चाशनी हल्का गुनगुना होना चाहिए और उसी में डाल देंगे। जलेबी हमारा बन चुका है फ्रेंड्स। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।